हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर आपके लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन जो आप लोगों को मिल रहा है वो डीएम कार्यालय से मिल रहा है। तो डीएम कार्यालय में आपको बड़ी वैकेंसी मिल रही है, जिसमें यदि आप 8वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास के लिए भी वैकेंसी यहां आपको डीएम कार्यालय से मिल रही है। 2020 का नया नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें वैकेंसी आपको मिलेगी। कलर की वैकेंसी मिलेगी, कलर की वैकेंसी में 19,700 रुपये आपको इसमें वेतन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रखी जाएगी 12वीं। स्टोनो के लिए भी वैकेंसी है, स्टोनो के लिए वेतन देख सकते हो, 19,000 वेतन आपको मिलेगा, 12वीं पास रखी गई है। चौकीदार की वैकेंसी आपको मिल रही है, चौकीदार के लिए देख सकते हो 18,800 रुपये प्रतिमा आपको इसमें वेतन मिलेगा, और 10th पास यहाँ रखी गई है। और इसके 7, 4 और 5 नंबर पर जो पोस्ट मिल रही है शिवपर और सफाई वालों के लिए, तो शिवपर और सफाई वाला के लिए यहाँ आपको 15,500 रुपये जो है शिवपर के लिए मिल रहा है, 8,000 रुपये जो है यहाँ जो वैकेंसीज के लिए आपको मिल रहा है सफाई वालों के लिए, 8,000 रुपये का जो वेतन आपको सफाई वालों के लिए मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 8वीं पास। तो ये जो है निम्न वैकेंसीज है डीएम कार्यालय से निकल के आई है। यदि आप सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो डीएम कार्यालय का ये जो फॉर्म निकल के आया है वो जरूर अप्लाई करें। ये जो आप अभी नोटिफिकेशन देख रहे हो डीएम कार्यालय का नोटिफिकेशन है, ये डीएम कार्यालय से जारी हुआ एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में यहाँ आपको अलग अलग वैकेंसी जो है बताई गई है। केवल चौकीदार में मेल फॉर्म भर सकते हैं, और इसके साथ साथ फीमेल यहाँ फॉर्म भर सकती हैं आया के लिए। यहाँ अलग अलग वैकेंसीज आप लोगों को बताई गई है। डीएम कार्यालय की वैकेंसी है, आया की यहाँ वैकेंसी है, यहाँ चौकीदार की वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। यहाँ उम्र सीमा देख सकते हो, मेल के लिए वैकेंसी चौकीदार की है और फीमेल के लिए आया की वैकेंसी है। और इसके साथ साथ इसमें उम्र सीमा 21 से लेके 40 वर्ष रखी गई है, 21 से लेके 40 वर्ष रखी गई है चौकीदार के लिए, ये आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 8वीं पास, ये देख सकते हो, पास्ट इन क्लास एड। और इसके साथ साथ किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी तो आया की थी, तो आया में भी 21 से लेकर 50 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ पास्ड इन माध्यमिक शिक्षा, यानी कि आप इसमें 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें इसके साथ साथ होम इमेट के लिए भी वैकेंसी है, इसके साथ साथ डॉक्टर की भी वैकेंसी है, नर्स की भी वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। और इसके साथ साथ यहाँ देख फीमेल की वैकेंसी भी आप लोगों को मिल रही है, मैनेजर की वैकेंसी अब भी आप लोगों को मिल रही है। तो यहाँ बड़ी वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ अलग अलग वैकेंसीज आपको मिल रही है, 8वीं पास के लिए भी है, 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। इसके साथ यहाँ नेक्स्ट आपको बताया गया है इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, वो डिटेल्स आप लोगों को यहाँ समझाई गई है। यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि पोस्ट 1, 2, 3 के लिए यहाँ बताया गया इंग्लिश कितने नंबर की होगी, 15 नंबर का इंग्लिश होगा आपका। और इसके साथ साथ जनरल स्टडीज आपकी होगी 20 नंबर की, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको 45 नंबर के मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार आपका इसमें सिलेबस रखा गया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट थी 5 से 6 के लिए, यानी कि चौकीदार और स्वीपर आया के लिए, यहाँ देख सकते हो इंग्लिश होगी, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज आपका यहाँ अलग अलग इसमें पार्ट बताए गए हैं कि इतने क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसके साथ साथ यहाँ ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दिखाई गई है कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो अभी देख सकते हो यहाँ एक आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ फ्रेंड आप देख सकते हो www.jalpaiguri.government.in पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इसके साथ साथ इसका जो फॉर्म है 27 मार्च 2020 तक आप फॉर्म भर सकते हो, 27 मार्च 2020 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। और अधिक जानकारी आपको इस ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय से आपको प्राप्त कर लेनी है। यहाँ मोबाइल नंबर या फोन नंबर आप लोगों को बताए गए हैं, ईमेल आईडी आप लोगों को बताई गई है, ईमेल आईडी पर से भी आप संपर्क कर सकते हो। नोटिफिकेशन 6 मार्च 2020 को जारी किया गया था। और इसके साथ साथ इसमें देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन, बात है कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इन जलपाईगुड़ी की ये वैकेंसीज है, यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो लिंक इस फॉर्म का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।